हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग कन्वर्जेंस कैसे एग्जीक्यूट होता है वो पढ़ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। अब कन्वर्जन पढ़ते समय हम लोगों को सबसे पहले तो प्रायोरिटी ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी एग्जीक्यूट होती है वो है पावर। अब पावर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो पावर के लिए हम लोग कैरेट यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड हम लोगों को नेक्स्ट प्रायोरिटी है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड नेक्स्ट है हम लोगों के पास प्लस और माइनस प्रायोरिटी। तो अभी हम कन्वर्जन स्टार्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्जन करते समय हम लोगों को सबसे पहले तो कॉलम लेना है, इनपुट कैरेक्टर का कॉलम लेना है, इनपुट कैरेक्टर। नेक्स्ट हम लोग लेंगे स्टैक, नेक्स्ट कैरेक्टर को, नेक्स्ट कॉलम को हमको लेना है स्टैक, एंड लास्ट कॉलम हम लोग लेंगे एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लास्ट कॉलम हमारे पास है एक्सप्रेशन, ठीक है। इनपुट कैरेक्टर, स्टैक एंड एक्सप्रेशन। अब इनपुट कैरेक्टर के कॉलम में हम लोगों को जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को, यानी रो वाइज हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ब्रैकेट, फिर हमको लेना है ए प्लस बी, यहाँ पे ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद लेंगे हम लोग इनटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय एफ, ये हो चुका हमारा एक्सप्रेशन। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है कन्वर्जन। अब एक पॉइंट ध्यान में रखना है हम लोगों को, स्टैक में जब हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो स्टैक में अभी हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट कैरेक्टर के कॉलम में हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको रो वाइज लिख लिया है। अभी स्टैक जब हम लोग एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो स्टैक में एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि स्टैक में ऑपरेंड लेना नहीं है हम लोगों को, ऑपरेटर ही हम लोग वहां पे ले सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रैकेट आने वाला है, एक्सप्रेशन एम्प्टी रहेगा आपको आपका, यानी एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। फिर यहाँ पे आपका ब्रैकेट एज इट इज आएगा और अब हमारा जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड हमारा ट्रांसफर हो जाएगा एक्सप्रेशन के कॉलम में, यानी यहाँ पे आपको लिखना है ए। नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा प्लस, यानी ब्रैकेट और प्लस ऑपरेटर आएगा और यहाँ पे आपका जो ऑपरेंड है वो एज इट इज रहने वाला है, यानी ए। अभी हमारे पास अगेन ऑपरेंड आया है, ऑपरेंड आया है तो ऑपरेंड कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एक्सप्रेशन, यानी स्टैक का जो कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, यानी ब्रैकेट और प्लस, और बी जो ऑपरेंड है हमारा वो ए के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी ए बी। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्लोजिंग ब्रैकेट। अब क्लोजिंग ब्रैकेट यानी स्टैक में हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट, हम यानी एक ब्रैकेट हमारा क्या हो रहा है वहां पे कंप्लीट हो चुका है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो ऑपरेटर है यानी ब्रैकेट के इनसाइड वाले जो ऑपरेटर है वो हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे एक्सप्रेशन के कॉलम में। यानी यहाँ पे हमारा ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद हमारे ब्रैकेट के अंदर आने वाला है प्लस, तो प्लस हमारा ट्रांसफर होगा एक्सप्रेशन, यानी ए बी प्लस। अगर हमारा प्लस ऑपरेटर ए बी यानी एक्सप्रेशन में ट्रांसफर होता है तो स्टैक के कॉलम में एक भी ऑपरेटर हमारा नहीं है, इसीलिए स्टैक का कॉलम आपका हो जाएगा एम्प्टी, ठीक है। अभी हमारे पास है इनटू, हमारे स्टैक कॉलम में एक भी ऑपरेटर नहीं है इसलिए वहां पे ऑपरेटर की प्रायोरिटी चेक करना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनटू, यानी यहाँ पे ए बी प्लस एज इट इज आने वाला है। अभी नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंड है सी, तो ऑपरेंड जब आता है तो ऑपरेंड एज इट इज जो भी ऑपरेंड है वो एक्सप्रेशन में ट्रांसफर होता है और स्टैक का जो कॉलम है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहने वाला है, यानी यहाँ पे आएगा आपका इनटू और आपका सी जो ऑपरेंड है वो ए बी प्लस सी एक्सप्रेशन में ट्रांसफर हो जाएगा एक्सप्रेशन कॉलम में। नेक्स्ट आया हमारे पास माइनस। अब हम लोगों को स्टैक में जो ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी चेक करनी है। स्टैक में ऑपरेटर था हमारा इनटू और हमको नेक्स्ट ऑपरेटर लेना है माइनस। अब स्टैक के ऑपरेटर की प्रायोरिटी अगर ग्रेटर है तो उस ऑपरेटर को हमको एक्सप्रेशन कॉलम में ट्रांसफर करना है। अभी हम लोगों ने ऑपरेटर की प्रायोरिटी यहाँ पे देख ली थी। अब माइनस से हमारे इनटू की प्रायोरिटी ग्रेटर है,
तो इसलिए हमारा इनटू जो साइन है वो एक्सप्रेशन में ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी प्लस सी इनटू, और हमारा जो माइनस ऑपरेटर था वो स्टैक में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेंड। जब ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड डायरेक्टली एक्सप्रेशन में ट्रांसफर होगा, इसलिए स्टैक एज इट इज रहने वाला है, यानी यहाँ पे आएगा माइनस ए बी प्लस सी इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर डिवीजन। अब स्टैक में कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास? माइनस। अब स्टैक के यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, कि आपको स्टैक के ऑपरेटर की ही प्रायोरिटी चेक करनी है, और स्टैक में जो ऑपरेटर आता है उसकी प्रायोरिटी आपको ग्रेटर चाहिए। तो हमारे पास स्टैक में अभी कौन सा ऑपरेटर है? माइनस। माइनस की प्रायोरिटी डिवीजन से लेस है, इसलिए माइनस साइन अभी हमारा एक्सप्रेशन में ट्रांसफर होने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे डिवीजन भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी प्लस सी इंटू डी डी। नेक्स्ट अभी है एफ, ऑपरेंड है। ऑपरेंड तो आपका डायरेक्टली एक्सप्रेशन में ट्रांसफर होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस डिवीजन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी प्लस सी इंटू डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन तो एंड हो चुका है एक्सप्रेशन का, इसलिए स्टैक में जो ऑपरेटर है उसको अभी हमको एक्सप्रेशन में ट्रांसफर करना है, एक्सप्रेशन कॉलम में। तो यहाँ पे आपका स्टैक हो जाएगा एम्प्टी, और यहाँ पे आपको लिखना है ए बी प्लस सी इंटू डी एफ, और जो ऑपरेटर है हमारे स्टैक में उसको अभी हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूंगी डिवीजन और फिर आएगा आपका माइनस। ये हो चुका है आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन।